अब देखो हार्ट ओट क्या होता है। हार्ट ओट देखो, हार्ट ओट ये दिल और दिल। अब कुछ लोगों का होता है ना, लोग बोलते हैं कि इसका दिल तो पत्थर का बना हुआ है। तो हार्ट ओट जो होता है, दिस रीजन कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स रहता है, इंपॉर्टेंट है, डेड एलिमेंट्स रहता है एंड हाईली लिग्निफाइड। हाईली लिग्निफाइड एक केमिकल होता है जिसको कहा जाता है लिग्निन। क्या? लिग्निन, NaN लिग्निन। और ये जो रीजन है इसमें लिग्निन डिपोजिशन, बहुत सारे लिग्निन रहता है, इसलिए ये क्या है, इसको कहा जाता है हार्ट ओट। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड हार्ट ओट इन द सेंटर। ये हार्ट ओट कहां पर रहता है? सेंटर में रहता है। कहां पर? सेंटर, सेंटर में और इनर मोस्ट लेयर में ऑफ होल ट्री। ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क इन कलर। ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क इन कलर एंड डार्क क्यों होता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या क्या? टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड एसेंशियल ऑयल्स। सबको याद रखिए किस तरह क्वेश्चन बनाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ क्वेश्चन तो टफ होते हैं, तो अगर आपको अच्छा मार्क लाना है तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, नहीं तो बाद में आके आप बोलेंगे ये तो एनसीईआरटी में नहीं था। ठीक है, टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड एसेंशियल, 10% क्वेश्चन तो टफ होते हैं। टफ यानी एनसीईआरटी बाहर से नहीं, एनसीईआरटी के अंदर से ही होता है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है। और ये सब चीजें जहाँ से जहाँ पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं और आपको लगेगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो और एक पॉइंट को याद रखिए कि क्या क्या केमिकल डिपॉजिट होता है सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेकेंडरी जाइलम में रेजिन्स डिपॉजिट नहीं होते, डज नॉट ऑकर द डिपोजिशन ऑफ रेजिन, और आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट या रॉन्ग, और आप तो कह देते हैं कि ये रॉन्ग है क्योंकि डिपोजिशन नहीं होता है। तो इसलिए ये सब चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपोजिशन होने के कारण ये जो हार्ड वुड है, क्या हार्ड वुड, अच्छे से देखो, HEART हार्ड वुड, इसे भी लिख सकते हो कि ये हार्ड है और यहां पर वुड लिख दो। ठीक है, चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हार्ट वुड, हार्ट वुड। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये हार्ड वुड के साथ कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, ये हार्ट वुड जो है यही हार्ड वुड भी है, हार्ट वुड जो है ये हार्ड वुड भी है। मतलब जिन लोगों का दिल पत्थर का बना हुआ होता है, कहते हैं ना कि इसका दिल पत्थर से बना हुआ है, वो क्या है? हार्ड है, पत्थर हार्ड होता है ना, तो इसलिए तो हार्ड है। दैट मीन्स हार्ट वुड जो है वो हार्ड वुड भी है। ठीक है, और ये ड्यूरेबल ज्यादा रहता है क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई इंसेक्ट उसको खा नहीं पाती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आप रॉन्ग को यहां पर मार्क करो, रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द हार्ड वुड। क्या? हार्ड वुड, ये दिल वुड, हार्ड बनाओ वुड लिखो हार्ड वुड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिटेड इन इट, होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है, इट इज हाईली ड्यूरेबल, हाँ हाईली ड्यूरेबल। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इफिशियंटली, नहीं यहाँ पर कोई वाटर एंड मिनरल कंडक्शन नहीं होता है क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डेड सेल्स, और हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं, कोई स्पेस नहीं रहता है। ठीक है, इट कंप्राइज ऑफ डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? ये, क्योंकि ये ऐसा मिनरल्स एंड वाटर कंडक्शन कर नहीं पाता है। ठीक है, एज द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन ट्री, थिकनेस ऑफ हार्ड वुड इंक्रीजेस, सैप वुड इंक्रीजेस, बोथ इंक्रीजेस, रिमेन सेम। जो हार्ड वुड है, हार्ड वुड, वही उसका क्या होता है? थिकनेस, क्योंकि वो क्या होता है, जितनी जब सेकेंडरी ग्रोथ होता रहता है तो क्या होता है, अंदर की तरफ ज्यादा होता है, इससे क्या होता है, ये अंदर जो हार्ड वुड है ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता रहता है, इसलिए थिकनेस इंक्रीज होता है इसका। क्या होता है? थिकनेस इंक्रीज होता है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या है? ए। आप देखिए सैपवुड क्या होता है, सैपवुड इट इज द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, इट इज द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। जो सेकेंडरी जाइलम बना हुआ है ये मान लीजिए, ये मैं एक को दिखा रहा हूँ लेकिन एक तो नहीं होते हैं, मैं एक को उठाया। ठीक है, अब यह बीच में क्या रहता है, कैम्बियल रिंग, यहाँ पर भी है पार्ट जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपने ऑलरेडी देख लिया ये सब। तो ये क्या है? ये आपका कैम्बियल रिंग। अब कैम्बियल रिंग क्या करती है? सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करती है। तो सेकेंडरी जाइलम मान लीजिए, इतना सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस किया, ठीक है,
लेकिन कुछ कुछ सेकेंडरी जाइलम यहाँ पर बाहर पेरीफेरी की तरफ और कुछ सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अंदर की तरफ जो है वो क्या है, सेंटर की तरफ है, और कुछ है पेरीफेरी की तरफ। पेरीफेरी की तरफ जो सेकेंडरी जाइलम है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेफकोड, और लाइटर इन कलर होते हैं। क्या होते हैं, लाइटर इन कलर, ठीक है, लाइटर इन कलर होते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, देखिए, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मैकेनिकल सपोर्ट। जो हार्डवुड है वही तो है हार्डवुड, हार्डवुड जो है वो हार्डवुड भी है, क्या हार्डवुड भी है। और सैपवुड क्या है, सैपवुड, सैपवुड में जो कंडक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल हार्डवुड में नहीं होता है। ये हमने आपको ये बॉक्स बना के दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवाइज भी जल्दी दे पाए, बॉक्स देखते ही आपको याद आ जाएगा, या फिर एक जब देखेंगे आप बॉक्स को बार बार देख के पढ़ेंगे तो एक इमेज भी आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। ये हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है आपको ये सब चीजें आसानी से आपको ताकि पढ़ पाए, तो इसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, यूटिलाइज कीजिए अच्छी तरह। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल हार्डवुड में नहीं होता है, लेकिन सॉफ्टवुड में होता है और रूट से लीफ की तरफ मूव करता है, रूट से लीफ की तरफ मूव करता है। हर एक चीजें इंपॉर्टेंट है, आप एक भी चीजों को छोड़िएगा मत, ठीक है, इसको पूरा बनाइए, सबको भी बनाइए, इसको भी बनाइए कॉपी में। और हार्डवुड में क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है हार्डवुड, और सैपवुड क्या प्रोवाइड करती है नहीं वो हमें नहीं पता, आपके बोर्ड में ये सब नहीं है और हमें पीएचडी नहीं करना है। अगर आप सर्च कीजिए नेट में, नेट में तो ये सब मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको ये सब नहीं चाहिए, आपके बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो आपको भी नहीं चाहिए, आपको बस इतना चाहिए जितना आपके बुक में है, ठीक है। आपको क्या, आपका टारगेट क्या है, टारगेट वन, आप मैंने उस दिन कहा था ना कि टारगेट वन आप लिख लीजिए आपके सामने, टारगेट वन क्या है, नीट। और अगर लड़की पढ़ाना है तो वो टारगेट टू है, टारगेट टू क्या, टारगेट टू वो आप लिख लीजिएगा आपके हिसाब से। अगर लड़के पटाना है तो पहले ये नीट क्लियरिफाई करो, मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहां जाके पटा लेना, ठीक है। हार्डवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन, हार्डवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन द प्रेजेंस ऑफ रेज ऑफ फाइबर, एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, यही है आपका आंसर, हार्डवुड सैपवुड से डिफर कैसा है। व्हिच एक्सपोज्ड वुड डीके फर्स्ट, कौन सा डीके फर्स्ट होता है, सैपवुड, क्योंकि वही होता है सॉफ्टवुड, और हार्डवुड तो होता नहीं है, ठीक है।